रेलवे हेडक्वार्टर लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद ने कहा कि पाकिस्तान में करप्ट सियासतदानों और खानदानों का खात्मा देख रहा हूं। नए साल का सूरज नए सियासी चेहरों से तुलू होगा। किसी चोर ने कभी नहीं माना कि हाँ मैंने चोरी की है। हर चोर अपने आप को चौकीदार समझता है, लेकिन मेरी पेशन गोई नोट कर लें, पाकिस्तान की सियासत से करप्ट खानदानों की सियासत खत्म होने जा रही है और नए चेहरे उफक पे तलू होने जा रहे हैं। वफाकी वजीर रेलवे का कहना था कि चीन के कामयाब दौरे के बाद पता लगा कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से बड़ा चोर है। मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूँ, चीन से आने के बाद मेरा ये ईमान हो गया कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से बड़ा चोर है। मैंने सारा एरा नवाज शरीफ के खिलाफ रखा, लेकिन अंदर से शहबाज शरीफ निकला है। उसके दामाद कंपनियों के चीन में मेंबर निकले हैं। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद ने बताया कि रेलवे रिटायर्ड मुलाजमीन को एक साल की मोहलत के बाद फारिग कर दिया जाएगा। बोल्टन एकेडमी को यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला कर लिया गया है, जबकि स्कूल और अस्पताल की निजकारी कर रहे हैं। शेख रशीद का मजीद कहना था कि रेलवे ट्रैकिंग सिस्टम के लिए पैसों की मंजूरी दे दी गई है, ताकि शहरी बा आसानी ट्रेन की लोकेशन देख सकें। कैमरामैन उमर रईस के साथ उमर चौधरी, लाहौर न्यूज़।